हे एवरी वन वेलकम बैक अगेन टू माई यूट्यूब चैनल लर्न बॉल कॉन्सेप्ट सो हाउ आर यू ऑल गाइज आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल सो टूडे आई एम हेयर अगेन फॉर यू गाइज द न्यू टॉपिक्स विच इज़ द डिजटेशन वर्क राइट डिजटेशन वर्क विच इज़ द डिजटेशन वर्क राइट सो डिजटेशन में क्या होता है ये विनोब भाव यूनिवर्सिटी जूलॉजी है ना विनोबावे यूनिवर्सिटी में जुलॉजी सब्जेक्ट का डिजर्टेशन है राइट सो so, मैंने जो डिजर्टेशन मैंने जिस पर किया था वो मेरा टॉपिक था फ़ीस अवेबिलिटी एंड मार्केटिंग सिस्टम ऑफ अ फीस मार्केट इन देवघर झारखंड राइट सो so, ये मेरा टॉपिक था कि फ़ीस अवेबिलिटी कौन कौन सा फ़ीस अवेलेबल है इन देवघर सिटी में और उसका मार्केटिंग प्राइसेस क्या है ठीक है मार्केटिंग प्राइसेस क्या है और मार्केट का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर मैंने डिजिटेशन वर्क किया था ठीक है सो डिजिटेशन वर्क का मतलब ही है कि आप उस पर कुछ वर्क करो कुछ अपना न्यू कुछ अपना न्यू वर्क करो ना कि किसी का इसमें क्या होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है आप किसी का देख के कॉपी कर लोगे तो फिर दैट्स नॉट फेयर राइट right? अगर खुद से करते हो बस टॉपिक चूज कर लो टॉपिक चूज कर सकते हो डिजर्टेशन वर्क का और भी टॉपिक है मैं दिखाती हूँ यह ऑर्नामेंटल फीस ऑफ लैक झार सॉरी हजारीबाग झारखंड ठीक है ऑर्नामेंटल फ़ीस इन हज़ारीबाग का जो लेक है झील है उसके ऊपर डिजर्टेशन वर्क किया गया था ये ठीक है और भी हमारे पास टॉपिक है एक जैसे कि लार्वी बोरस फीसेस ऑफ लेक हजारीबाग जहाँ कभी आपको जो भी एरिया नियर पड़ता है वहाँ पे आप डिजर्टेशंस कर सकते हो ठीक है और डिजर्टेशंस में करने से क्या होता है हाँ अगर डिजिटेशन प्रिपेयर करना है खुद का तो उसके लिए एक और चीज़ है कि आप गूगल स्कॉलर से जा कर के अपना टॉपिक सर्च करके वहाँ से रिफरेंस डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि मैंने गूगल स्कॉलर में जाकर सर्च करा था फीस अवेलेबिलिटी एंड मार्केटिंग सिस्टम इन फ़िश मार्केट तो मुझे मुझे ये मिला फीस अवेलेबिलिटी एंड मार्केटिंग सिस्टम और फिश मार्केट इन मनिक जो ये मैंने सर्च करा था गूगल स्कॉलर से जाकर ठीक है तो वहाँ से मैंने सर्च करा तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इससे बहुत सारे हेल्प लिए कैसे आ, कैसे लिखना है क्या सिस्टमेटिक है किस सिस्टम से लिखना है उसके उसके अकॉर्डिंग मैंने इससे हेल्प ले करके लिखा था ठीक है सो so, हम लोग अब बताते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा ठीक है और ये हमारा है डिटेल्स नेक्स्ट देखिए फर्स्ट पेज में हमारा क्या रहता है सर्टिफिकेट रहता है ठीक है वो फर्स्ट फेज वो तो फ्रंट फेज हो गया अब ये हमारा फर्स्ट फेज है फर्स्ट फेज में क्या रहेगा सर्टिफिकेट रहेगा तो सर्टिफिकेट में अपना इन डिटेल वो लिखना है कि आई सर्टिफाइड दैट डिजर्टेशंस इन टाइटल फीस अवेलेबिलिटी एंड मार्केटिंग सिस्टम ऑफ ऑफिस मार्केट इन देवघर सो इज सबमिटेड टू फाइनल एवेल्स ऑफ एम एस सी डिग्री बाई माधुरी कुमारी एम एस सी फोर्थ सेमेस्टर इक्कीस तेईस सबमिटेड डिजर्टेशन इज़ हर ऑन वर्क डन ड्यूरिंग द फ्यूचर टेन्यूर ऑफ़ द एम एस सी फोर्थ सेमेस्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरविज़न तो द वेस्ट माई नॉलेज सो यहाँ पर फिर टीचर्स लोग सैंड करेंगे ये आ, ये हो गया हेड एच ओ डी डिपार्टमेंट और ये अपना आ, जो फिशरीज के जो हेड ऑफ़ आपका सब्जेक्ट है ठीक है सो so, ये हो गया सेकेंड फेज और हम लोग देखते हैं थर्ड थर्ड फेज में एक लॉन्ग एक नॉलेजमेंट लिखना होता है जो अब देख सकते हो कि जो जो टेक्नोलॉजी में, में क्या होता है कि सबको हेल्प थैंक्स बोलना बोला जाता है राइट right? जो जो हेल्प किए हमारे डिजर्टेशन बनाने में जिन लोगों का सहयोग रहा सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं ठीक है ठीके? आप देख सकते हो राइट right? देख सकते हो फिर नीचे आप यहाँ पर अपना नाम रोल नंबर लिख सक फिर नेक्स्ट लिखना है नीचे यहाँ पे नाम रोल नंबर दिस इज द डिक्लेरेशन्स फिर डेडिकेट कर सकते हो डेडिकेशन्स डेडिकेशन्स राइट इसमें भी नीचे आप अपना नाम लिख सकते हो ठीक है नेक्स्ट है कंटेंट तो कंटेंट में हमने क्या क्या डाला सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना फिर मटेरियल्स एंड मेथड्स कौन कौन सा मटेरियल्स मेथड्स का यूज़ किया स्टडी एरिया हमने कहाँ कहाँ स्टडी किया डाटा कलेक्शंस क्या क्या डाले डाटा कलेक्ट किए फिर डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस रिजल्ट एंड डिस्कशन सोर्स ऑफ फीस इन द मार्केट एबिलिटी एंड कंपोजिशंस ऑफ फीस मार्केटिंग चैनल प्राइस ऑफ फीस राइट

झारखंड के बारे में पहले कुछ कुछ लिखा फिर देवघर के बारे में कुछ कुछ लिखा ठीक है ये सब हो गया एंड फिर देखिए मै मेटेरियल्स एंड मेथड कौन सा मटेरियल्स एंड मेथड का यूज़ किया तो स्टडी एरिया मैंने डिस्क्राइब किया कि स्टडी एरिया मेरा देवघर सिटी है तो फिर मैंने क्या करा झारखंड का मैप लिया पहले इंडिया का मैप लिया फिर ऐसे फिर झारखंड का मैप लिया फिर देवघर का हाईलाइट मैप लिया राइट और फिर मेरा देवघर का डिटेल मैप्स या तो यही हो गया मेरा मटेरियल्स एंड मेथड्स मेरा यही है क्योंकि मैंने मार्केटिंग किया तो मार्केटिंग में एड्रेस शो करना होता है राइट ये सब रेफरेंस के हेल्प से मैंने करा है ओके तो ये मेरा है डाटा कलेक्शंस डाटा कलेक्शंस मैंने कब से कब तक करा वो टाइम दिया और क्वेश्चनार डाटा वर कलेक्टेड बाय यूजिंग क्वेश्चन इंटरव्यूज क्योंकि जब वहाँ पर मैं गई तो क्वेश्चन होता है ना कि क्वेश्चन आखिर हमने किया तो क्या क्या क्वेश्चन किया वहाँ पर जो डेजिटेशन्स में जब वाइवा होगा ना तो वहाँ पर सर पूछेंगे कि वेर योर क्वेश्चन आर तो मैंने क्वेश्चन आर एक प्रिपेयर करा था सो तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन आर में मैंने लिखा नाम पता पद पत क्या है आप कितने प्रकार की मछलियाँ बेचते हो देवघर शहर में प्रत्येक दिन कितनी मछलियाँ की आयात होती है मछली के स्रोत बताइए मछली के दाम है ना मछली का दाम क्योंकि देखो मछली के दाम तो नहीं दे सकते ना क्योंकि जैसे कि यहाँ पर था मछली कितने प्रकार के बेचते हो तो सब सा, सारे के मछली के दाम वेरी वैरी करते हैं इसलिए मछली के दाम नहीं आ, दिया फिर आप ज़्यादातर कौन सी मछली खाते हो राइट फिर आपको बेचने के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा बस दैट्स ऑल इतना मैंने क्वेश्चनार करा सो ये मैंने आ, कम से कम Uh, दस निकाल के रखा था ठीक है मैंने दस निकाल कर रखा था आप चाहो जितना भी निकाल सकते हो मिनिमम फाइव टू टेन क्वेश्चन आर होना चाहिए एज अ सैम्पल के तौर पे वहाँ वाइवा वाले टीचर्स को दिखाने के लिए ठीक है सो देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ़ फीस टेन टू फिफ्टीन फीस फीस रिटेलर से हमने बात करा सो so लिखा है ए टू टेन फीस फार्मर से बात करा टेन टू फिफ्टीन अदर इंडिविजुअल्स इंगेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क में उससे बात करा मतलब आसपास के लोगों से भी पूछा ठीक है डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस के बारे में कैसे मैंने डाटा प्रोसेस किया एनालाइज सो नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट एंड डिस्कशन ठीक है तो रिजल्ट्स में लिखे सोर्स ऑफ़ फ़िशस इन द मार्केट में कहाँ कहाँ से आया तो हमने पता करा था, तो आ, कुछ लोकल फ़िशेज थे कुछ बंगाल से भी आते थे कुछ आंध्र प्रदेश से भी आते थे राइट कुछ यहीं के लोकल थे सो तो जो जो थे सो तो सबके नाम मैंने लिख दिए हैं और फ़ीश के नेम लिखे हैं बस अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सो तो ये है स्पेसिस अवेलेबिलिटी एंड कंपोजिशंस ऑफ फीस ठीक है कौन कौन सी आ, स्पेसिस अवेलेबल थे सोर्सेस पहले लिखा फिर स्पेसिस uh, एबिलिटी कौन कौन सा स्पेसिस अवेलेबल था इन देवघर सिटी में उसके बारे में मैंने लिखा ठीक है ये सब हो गया और टोटल स्पेसिस एबिलिटी में मिला सबका फिर डिटेल्स लिखा कौन से ऑर्डर कौन से फैमिली से आते साइंटिफिक नेम्स लोकल नेम्स का एक मैंने चार्ट बनाया ये सब के सब मैंने रिफ्रेंस के हेल्प से करा राइट right? सो so, अगर आप जो भी टॉपिक चूज करना चाहते हो उस उसका आप गूगल स्कॉलर में जा करके रेफरेंस सर्च करना उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी सो so, ये आप देख सकते हो फिर मैंने पाई चार्ट भी ड्रॉ करा है कितना परसेंटेज में सारी फीसेस की ये ऑर्डर्स लिखा है ठीक है ऑर्डर्स उसके परसेंटेज की सबसे ज़्यादा फोर्टी सिक्स परसेंट यानी कि कौन से फीसेस हैं सैपरिनी फॉर्मिस ग्रुप के ठीक है सैपरीनी फॉर्मिस ऑर्डर के सबसे ज़्यादा फ़ीसेस अब नेक्स्ट देखते हैं सही वन पेजेस में मैंने अपना जो इंटरेक्ट किया फ़िश रिटेलर्स के साथ ठीक है वो मैंने अपना फ़ोटो डाला है नीचे यहाँ पर लिख दिया है मी इंटरेक्टिंग टू द फिश रिटेलर एट रोहनी देवघर फिर सारे फिशेस के सारे फिशेस के ओरिजिनल फिशेस के पिक्चर्स जो जहाँ से मैंने गया था ये सब देख सकते हो पुठी ग्रही जो जो जहाँ जहाँ हम लोग ने डिजर्टेशन के लिए गया वहाँ वहाँ पर हम लोगों ने पिक्चर क्लिक करा देख सकते हो सो so, आप आ, आ, आप और भी जगह के जहाँ जहाँ आपने गए जो जो जिस इस एरिया में आप गए ठीक है वहाँ का आप ना फ़ोटो ले सकते हो और वो भी चिपका सकते हो जितने जगह का आप जितने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में गए ठीक है वहाँ सबका पिक्चर लगा सकते हो ठीक है क्योंकि सर जो होते जो वाइवर लेंगे वो देखना चाहते हैं कि आप गए या नहीं गए तो अगर पिक्चर रहे तो फिर ज़्यादा बेटर है ठीक है वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे ठीक है क्योंकि सर लोग वहाँ पूछते जानना चाहते हैं कि ये कॉपी किया है या फिर सच में डिजर्टेशन वर्क किया है या नहीं ठीक है इसलिए पिक्चर भी होना मस्ट है कि जिस टॉपिक पे बना रहे वहाँ वहाँ का उस एरिया का आपका वर्क के साथ हो, पिक्चर होना जरूर चाहिए सबसे पहले पिक्चर ही पूछेंगे वेयर इज योर पिक्चर कहाँ है आपका पिक्चर इसलिए पिक्चर मस्ट है पिक्चर जरूर क्लिक करके अपना पेस्ट करें ठीक है सो दिस इज़ द मार्केटिंग चैनल है मार्केटिंग चैनल ये सब सब मैंने रेफरेंस के हेल्प से करा है राइट right. ये प्राइस ऑफ फिशेज के बारे में लिखा एक समरी के रूप में कि क्या क्या है प्राइस क्या क्या है और कैसे वेरी करता है सीजन टू सीजन और ये प्राइस का चार्ट है देवघर सिटी का प्राइस का चार्ट है जो यहाँ के अकॉर्डिंग है वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है राइट right? सो so, देख सकते हो सो so, अगर आप जितने भी फिशेस का एक चीज़ और कि जितने भी फिशेस का आपने लिस्ट बनाया उसका तो आपको साइंटिफिक नेम कंठस्थ होना चाहिए टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए क्योंकि सर तो साइंटिफिक नेम तो फिर पूछेंगे ही पूछेंगे हाँ और एक चीज़ और हाँ एक चीज़ और मुझसे सर ने पूछा था टिलापिया का नाम हाँ राइट टिलापिया का नाम क्यों पड़ा इसका साइंटिफिक नेम था उसका नाम क्यों पड़ा तो अब देख लोगे जो जो फीसेस के बारे में लिखोगे उसका फीसेस का डिटेल्स जरूर पढ़ लेना एक बार राइट दिस इज़ द कंसल्टेंट्स एसोसिएटेड विध फीस मार्केट ये एक है दैट मीनस प्रॉब्लम्स क्या क्या वहाँ पर थे क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स थे ठीक है और भाई कि फ़ीसेस का आपका साइंटिफिक नेम कंठस्थ होना चाहिए जितना फ़ीस आप टेबल में चार्ट में डाल रहे हो सबके कंठस्थ होना चाहिए और सबका डिटेल्स ओवरव्यू होना चाहिए नेम से रिलेटेड ओवरव्यू होना चाहिए राइट सो दिस इज़ द लास्ट कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस सो आप अपना कंक्लूज दो और अपना रिकमेंडेड recommend, रिकमेंडेड कर सकते हो कि वहाँ पर आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ठीक है कंसल्टेंट्स कंक्लूजनस एंड रिकमेंडेंट्स एंड लास्ट में हम लोग ने रेफरेंस डाला राइट रेफरेंसेस हमने इंटरनेट के हेल्प से लिखा फिर यहाँ का एक वेबसाइट था झारखंड फिशरी डॉट ओ आर जी देवघर का जो वेबसाइट था वो मैंने डाला और दो रेफरेंस का मैंने यूज़ करके लिखा था ठीक है सो थैंक यू एवरी वन एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे सब्सक्राइब करे शेयर करें और और एक चीज़ और अगर आपको अलग टॉपिक भी चाहिए और भी मेरे पास टॉपिक ऑर्नामेंटल फ़ीसेस का है और ऑर्नामेंटल फ़ीसेस का है लालस फीसेस का है ठीक है ऐसे ही आप करके बना सकते हो ठीक है टॉपिक होना चाहिए टॉपिक होना चाहिए आपके पास और उसका टॉपिक डिसाइड कर लो और उसका एक बार गूगल स्कॉलर में जाके रेफरेंस देख लो तो उससे क्या होगा अच्छा बनेगा खुद से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन तो सर करेंगे तो खुद से बनाओगे तो बता पाओगे आंसर